रोड में क्यों लगी रहती है हम लोग का चकमा देने के लिए? रोड में कौन चकमा देता है? सबको दिखता है इसलिए उधर लगी रहती है कि किसी को पता, आज बहुत खूबसूरत दिख रही है, किसी को पता ही ना चले कि मैं कहाँ हूँ। राखी जी रुको जरा, राखी जी रुको, गाड़ी के पास गाड़ी, मेरे कल का प्लेन अच्छा है। राखी जी देखो मैं सबको बताना चाहती हूँ, आप लोग मुझे ये मत समझिए कि मैं छोटी हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ। कोरोना का इलाज है मेरे पास, जैसे मैंने अपनी फैमिली को कोरोना से बचा के रखा है। मेरी माँ 72 ईयर ओल्ड, मेरी पूरी फैमिली को टचवुड अभी तक नहीं हुआ है। देखिए लोग यहाँ से भीड़ में यहाँ से गांव भाग रहे, उनकी रोजी रोटी मुंबई में है, लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग हॉस्पिटल में जाते हैं कहते हैं ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं मानती हूँ हमारे पास सुविधाएं थोड़ी कम है। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये, अगर आप मुझे अपनी बेटी बोले, बहन बोले, अगर मेरी थोड़ी सी एडवाइस अगर मैं आपको दूं तो घर में बैठ के आपको कोरोना छू नहीं पाएगा, जैसे कि मुझे नहीं छुआ, मेरे पूरे परिवार को नहीं छुआ है। मैं मास्क पहनती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, रोज़ सुबह उठ के अदरक इलायची दालचीनी ये सारा काढ़ा पीती हूँ, और घुटनों पर आके मैं बताऊँ आपको घुटनों पे कैसे आते हैं। आप मनुष्यों पे विश्वास करते हैं, मैं मनुष्यों पे विश्वास नहीं करती, मैं ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा पूरा परिवार क्या करता है, और भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऊपर वाले पर विश्वास करता है। तो भाई साहब आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, और आपको बचाने वाला ईश्वर ही है, पैदा करने वाला भी ईश्वर है और बचाने वाला भी ईश्वर है। तो भाई साहब सुनो, आपको आना है ऐसे घुटनों पर, ये देखो ऐसे आना है और करना है। देखो मेरे घुटने छिल जाएंगे, आप लोगों के लिए मैं घुटने पे आई हूँ, वैसे मैं रोज़ घुटने पे आती हूँ। ऐसे घुटनों पे आना है और करना है, कहना है आपको भी मास्क पहन, तूने फोटो लिया ना मेरा, मास्क पहनो। ऊपर ऐसे घुटनों पे आना है और ऐसा बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, आसमान के खुदा, धरती के खुदा, तुम्हारा मुझे आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, और हमें ये महामारी की बीमारी से, कोरोना से निजात दो। ये बीमारी हमारे खानदान से जो श्राप बनकर आई है उसे हटा दो परमेश्वर, और मैंने जितने भी पैदा होने तक अभी तक जो पाप किए हैं परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैं अब दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, ना करूंगी। ये कोरोना की बीमारी में ना मेरे माँ बाप को, ना मेरे खानदान में किसी को हो। अगर मैंने कोई आपके खिलाफ कोई पाप किया है तो मुझे क्षमा करें। दोस्तों भाई हाय मेरे घुटने, ये देखो घुटने मेरे छिल गए। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ये प्रेयर आपको बताया है, मैं मेरा पूरा परिवार ऐसे घुटनों पर आके, ऐसे मसीह परिवार जो बहुत लोग जो ऊपर वाले को, जो आसमानी खुदा को मानते हैं, वो ऐसे आते हैं और उनको कोरोना की बीमारी छू नहीं पाती। वैक्सीन पे आपने भरोसा किया, आपने सब पे भरोसा किया, वैक्सीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग वैक्सीन भी लगवाई हैं, और वैक्सीन से डरो मत, आप लोग वैक्सीन लगवाओ, और सबका रखवाला ऊपर वाला है, है ना। आप मानते हो कि नहीं, आप लोग मानते हो कि नहीं, ऊपर वाला है, रखवाला जो आपको सांसें देता है, मुझे सांसें देता है। तो दोस्तों ये मेरा मैसेज था आपके, अब मैं चलती हूँ। हाँ मैंने अपने राधे का ट्रेलर आया है, सलमान जी का बॉलीवुड स्टार, मेगा स्टार सलमान जी का राधे का ट्रेलर आया है दोस्तों, और अभी रिलीज होने वाली है ना, ईद में। तो आप मुझे सबसे ईद ही मुझे वो चाहिए कि मेरे सलमान भाई की जो ये राधे आने वाली है वो आपको सबको देखनी है, और मुझे मेरी ईदी देना, ईद के दिन मुझे मेरी ईदी चाहिए। सलमान भाई की ये जो राधे फिल्म आने वाली है सब लोग ज़रूर देखना, क्योंकि सलमान भाई एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, और
जीते जाते लोगों के लिए एक मसीहा है।